सो गाइस फाइनली जो अपनी बाइक है वो PPF होके रेडी हो गई है। इसके ऊपर ग्लॉसी अच्छा लग रहा है, पहले मैट वाला देखा तो मैट वाला और डल कर दे रहा था उसको। अंशुमन भाई एज यूजुअल मतलब हमेशा ही मतलब बेस्ट काम करके देते हैं। एक रियल TPU फिल्म तीन चीजों से बनता है। एक TPU की खासियत होती है कि हम उसको जितना भी खींचेंगे वो अपने शेप में वापस आ जाए, और आपको अपनी पेंट का एक एक दाना दिख रहा है। सही बात है। और उसका कलर सिर्फ खिला ही है, दबा नहीं है। 10 इयर्स है अल्टीमेट प्लस, एस्टेक 5 इयर्स है, ओके, शील्ड इफेक्ट, और ये एस्टेक 10 इयर्स है डाइनो शील्ड। Alright guys, welcome back to my channel and today is Wednesday। तो जैसे कि आप लोगों को पता था पिछले वाले ब्लॉग में देखा था आप लोगों ने कि मैंने मंडे को BMW F850 जो मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में निकलवाई थी तो उसको मैंने PPF के लिए दिया था। तो मैं आया था यहाँ पे ऑटो ट्रेस में जो कि है हेन्नूर में बैंगलोर, एंड जो फाइनली काम है हम लोगों को होके मिल चुका है। बेसिकली मंडे को दिया था तो ट्यूजडे को काम हो गया था, बट ऑफिस के काम की वजह से मैं कल नहीं आ पाया, कल ऑफिस गया था, उसके बाद वापस यहीं से निकला था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं लगा। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसिकली PPF कौन कौन से टाइप के आते हैं एंड उन PPF में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, क्या प्राइस है, और सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स आज के ब्लॉग में पता लगेगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकिए और यहाँ पे तब तक देखिए, यहाँ पे एक मोटो मोरिनी ये भी आ रखी थी और इसका भी पूरा PPF का काम हो चुका है। इसमें कौन सा लगा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, मतलब बेसिकली जो फिनिशिंग आती है यहाँ पे ऑटो ड्रेस में काम करने करवाने के बाद में वो मेरे को बहुत ही बेस्ट लेवल की लगती है। तो मेरा तो ये फेवरेट अड्डा है एंड इवन गुल्लू भाई भी सारी चीज़ें सारा PPF यहीं से कराते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अगर आप बैंगलोर में हो यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे आओ, डिफरेंसेस पता लगेंगे, अच्छे से गाइड किया जाएगा जो भी है। और अभी यहाँ पे फाइनली आप लोगों को दिखाते हैं कि PPF कैसा हो चुका है और जो भी प्रोसेस है वो आप लोगों को एक बार बताते हैं। सो गाइस फाइनली जो अपनी बाइक है वो PPF होके रेडी हो गई है, तो अभी तो ढक रखी है, अभी आप लोग को थोड़ी देर में अनवील हो जाएगा कि कैसा PPF हुआ है। और मैंने तो वैसे देख लिया है बट आप लोगों के लिए स्पेशली अभी अनवील करेंगे एंड उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे PPF हुआ है, क्या क्या प्रोसेस था। अंशुमन भाई एज यूजुअल मतलब हमेशा ही मतलब बेस्ट काम करके देते हैं। तो अभी जो फाइनली एक दिन में रेडी हो गया था, वैसे तो कल मैं आ नहीं पाया बस, तो क्योंकि खाली PPF आपने लिया था। हाँ। सो अगर हम अपने स्लॉट के हिसाब से चलते हैं सो वी फिनिश इट इन 4-5 आवर्स। हम उसको ओवरनाइट देते हैं एक बार सेटलमेंट के लिए, बिकॉज वो वाटर बेस्ड एप्लीकेशन होता है। सो वाटर एलिमेंट्री लेवल का वाटर वी स्क्वीज आउट विद आवर स्क्वीजीज, बट जो एक टाइनी अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है उसको फिर हम एनवायरमेंट के साथ ही वो अपने आप भीगल जाता है। नाउ नेक्स्ट लेवल इज व्हेन यू टेक इट आउट 2-3 डेज, whatever is left as a residue, the water का residual भी बचा होगा, वो भी चलेगा। अच्छा, वो भी निकल जाएगा। ओके, ठीक है, चलो फिर अनवील करते हैं अभी। हाँ, so अपनी bike, guys अभी finally अपनी bike अनवील करते हैं। PPF हो गया, just wait for another few seconds. वो बहुत सही। So guys देखो अपनी finally अपना PPF हो गया और कितनी ही मतलब शाइनिंग बाइक लग रही है। बेसिकली ये जो पहले कलर था ये मैट कलर था एंड पहले मैंने मैट कलर करा के देखा बट उसका थोड़ा सा जो है ना और डल कर दे रहा था, उसको लुक एनहांस करके नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली जो ये एस्टेक का फाइनल किया जो कि ग्लॉसी फिनिश में था, तो अभी वो जो ओवरऑल लुक है ना वो पूरा चेंज हो गया है। तो ये फाइनली हम लोगों की बाइक का ऐसा लुक आ गया है। तो अभी अंशुमन भाई से पूछेंगे क्या क्या प्रोसेस है इसके पीछे। जब मैट फिनिश की बात होती है तो हम उसमें पेंट करेक्शन नहीं कर सकते। We have to accept whatever is there with respect to finish. What we do, हम उसको सिर्फ क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं अपने सॉल्यूशन से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हम डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस मैट पे मैट या मैट पे ग्लॉसी लगाते हैं, जैसे आपने मैट पे ग्लॉसी लगाया है। ठीक है, सो आपके जो पैनल्स हैं जहाँ जहाँ जरूरत होती है वी रिमूव इट, जहाँ जरूरत नहीं होती वी ट्राई टू फिनिश इट विद द एग्जिस्टिंग जो भी उसका फिटमेंट्स होते हैं। Okay. So, हमारा एक सिंगल शीट है जो यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है। ओके, नाउ इसके ऊपर सारे लॉक्स हैं, देन एक सिंगल शीट है जो पूरा आपका फ्रंट टू एंड जो फेयरिंग है सिंगल शीट रन कर रहा है। अच्छा, ये पूरा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो पूरा सिंगल शीट है। सो आपको एक सीमलेस स्मूथ फिनिश मिलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी कट्स वी फिनिश आवर PPF ऑन बाइक। जहाँ मजबूरी होती है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। एंड सिंगल शीट आपका ये भी पूरा है जहाँ पर हमारा साइड पैनल का पूरा करेक्ट, तो इसको निकालना नहीं पड़ा।
नहीं इसको हमने निकाला है. अच्छा इसको निकाला था. इसको निकाला है ये पूरा शीट हम सॉरी पूरा पैनल हमने निकाला था और बाहर किया बिकॉज ये गार्ड था ना. अच्छा अच्छा हाँ करेक्ट. गार्ड तो हमने ऐसा लगाया लोहा लाट की इसका कुछ कर नहीं सकते. ये तो लगा लगा है मेरे को. अच्छा स्टॉक है तो फिर ये भी हमने ऑब्वियसली वो तो अच्छा हुआ मैंने ये वाला नहीं लगाया था. एक और गार्ड इधर पे भी आता है तब तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता. फिर आपने लाइट वाला मांगा था क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं. महंगी लाइट होती है महंगी गाड़ियों की. सही बात है. तो वो भी प्रोटेक्टेड है आगे से है. फिर आपने अपने ओडो पे मांगा था तो हमने इसको ओडो पे भी दिया है. ओके ओडो पे भी पूरा ग्लॉसी फिनिश में. ग्लॉसी फिनिश है क्लीन. वेरी मच दैट वाज योर रिक्वायरमेंट एंड वी हैव गॉट इट. फिनिश तो आपने देख लिया है. फिनिश तो बिल्कुल फर्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल वाली. फर्स्ट लेवल क्या नेक्स्ट लेवल वाली है. एकदम ग्लॉसी फिनिश आ रहा है. एकदम चमचमाती हुई लग रही है. गोल्डन कलर में 24K कैरेट गोल्ड. करेक्ट नो डाउट. पहले एक डबी मतलब क्या कहेंगे उसको जो सब थोड़ा सा डल कलर था. मतलब ऐसे ऐसे ऐसा नहीं था कि मतलब ट्रैफिक से निकल जाए ना और कोई देखे मुड़ के पीछे ना. अभी पक्का ऐसे अलग से लश्कारे मारेगी अपनी बाइक. ये तो मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है. मुझे बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने नहीं नहीं आपका तो स्पेशली मैंने देखा है. मतलब काम के मामले में बिल्कुल एकदम टॉप नॉच काम होना चाहिए. अदरवाइज फिर कहीं पे भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रहे खुद को भी खराब लगता है. इवन कस्टमर को भी फिर उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता. तो गाइज अभी आप लोगों ने जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो देखी. मतलब कैसा पानी बह रहा था और पर्ल जैसा बन जा रहा था जहाँ पे भी पानी ड्रॉप हो रहा था. स्पेशली इस साइड वाले जो एरिया जो नीचे की ओर झुका हुआ है इस वाले में थोड़ा सा टिकेगा क्योंकि फ्लैट सरफेस है. एंड अभी देखते हैं कि क्या क्या अच्छी प्रॉपर्टी है एसटेक की जो मैंने अभी ये PPF कराया है. तो अंशुमन भाई मेरे को बताओ हम लोग का क्या होता है जब PPF की बात होती है तो ऑब्वियसली एसटेक है. हम उसको टॉप क्वालिटी PPF मानते हैं. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जो है 10 ईयर्स वारंटी हमने आपकी गाड़ी पे 5 ईयर्स वारंटी का किया है. उसको डायनोशील्ड कहते हैं. इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है. अच्छा. एंड देन मैट है. ये 5 ईयर्स वारंटी है जो आप उसमें मान सकते हैं. हमने किया है 7 ईयर्स. बहुत बड़ा लाइन है. ये तो बहुत छोटा सा एक बुकलेट है इनका. सही बात है. पैटर्न PPF है. कलर PPF है. पूरा कार्बन वाला भी है. कार्बन वाला भी है. ये वाला एक बुल भाई की गाड़ी में किया है ना. हाँ ये वाला हमने किया है. कार्बन वाला. हाँ ये बहुत अच्छा फिनिश आया था स्कॉर्पियन में. ये किया जो गम होता है इसकी एक थिकनेस होती है जो हम ओवरऑल फिल्म की थिकनेस में ही मानते हैं. अच्छा. एंड देन उसके पास उसके ऊपर थर्मो प्लास्टिक पॉलीयुरेथेन TPU की एक लेयर होती है जो एक्चुअल पॉली का पॉली फिल्म होती है. एक्चुअल फिल्म होती है. ओके. और उसके ऊपर ये जो आप वेवीनेस देख रहे हैं ये एक टॉप कोटिंग होती है. मतलब एक रियल DPU फिल्म 3 चीज़ों से बनता है. एक बेस गम, उसके ऊपर DPU फिल्म, उसके ऊपर सेल फीलिंग हाइड्रोफोबिक लेयर. ओके. सो ये 3 लेवल का कंस्ट्रक्ट होता है जो आपको एक अच्छी फिल्म में मिलता है. बाकी उसकी क्लैरिटी कैसी है वो आपको लगाने पे जैसे अभी आप देखोगे आपको अपनी पेंट का एक एक दाना दिख रहा है. सही बात है. और उसका कलर सिर्फ खिला ही है दबा नहीं है. आई मीन द शाइन एंड ग्लॉस इज पंचिंग टू यू. सो ये राइट ऑप्टिकल क्लैरिटी का आउटपुट होता है. कई फिल्म हो सकती हैं बट वो आपके कलर को दबा सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा.
करेक्ट, आपको लगा कि मैंने पेंट करेक्शन फिल्म दिया। नाउ जब टीपीओ की बात करते हैं तो टीपीओ की खासियत ये होती है कि हम उसको जितना भी खींचें वो अपने शेप में वापस आ जाए, और उसमें भी आपका फिल्म डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, वो वेव वेव टाइप सा नहीं आया इसमें, खींचा इतना पूरा। सो वी आर डूइंग दिस, नाइस। ये चीज मतलब इतना PPF के बारे में मेरे को भी नहीं पता था कि मतलब लगता था कि जस्ट, हाँ करेक्ट। सो ऑब्वियसली दैट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड क्वालिटी फिल्म वेयर यू अंडरस्टैंड इट विद योर एक्सपीरियंस विद गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस एंड और ट्रस्टिंग समवन हु इज गिविंग यू क्वालिटी ब्रांड एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स। करेक्ट, या सो यू बीइंग फ्रॉम द फ्रेटर्निटी आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं पिछले 3 साल से। सही बात है। सो या दैट्स अबाउट एवरीथिंग। तो अच्छा, ये बाइक के लिए मतलब आप लोग एस्टेक की क्यों प्रेफर करते हो? बाइक का क्या होता है, पैनल्स छोटे होते हैं मगर उसके साथ साथ हमको ये सारे कर्व्स और बल्जेस आते हैं जिसपे PPF का कॉन्फर्मेशन होना, एक वर्ड होता है हमारे इंडस्ट्री में कॉन्फर्मेशन, कैसे कॉन्फर्म हो रहा है अपने बेंड्स पे, बल्ब्स पे, कर्व्स पे। तो हमको एस्टेक बहुत फ्रीडम देता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। जैसे भी अगर हम उसको स्ट्रेच करके लगा भी देंगे तो ये वहाँ चिपकेगा और उसके बाद ये शेप अपना डिफॉर्म नहीं करेगा। okay. ये हमको जो चाहिए होता है, ये हमको बाइक के लिए ज्यादा चाहिए। अब जैसे वो गाड़ी है या ये गाड़ी है, दोनों पे ये प्रोडक्ट किया है, वो भी है, कितना मुश्किल काम है। अगर आप देखोगे अगर आपके कस्टमर अगर वो होल्ड बराबर से नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा काम, निकल आएंगे लाइन आएंगी, अभी आपको ऐसा लगेगा दूर से लगेगा कुछ है ही नहीं इसको, पर कुछ ऐसा है जो, और स्पेशली ये प्रॉब्लम आती होगी समर्स के टाइम पे ना, जब समर्स के टाइम पे PPF के साथ में अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा तो वो हीट में खड़े होने की वजह से उसमें भी कुछ आता होगा। हाँ नहीं, उसमें जब देखिए अच्छी क्वालिटी का PPF पहचान थोड़े समय बाद होती है, आप लगवा लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, बट मान लीजिए 1 साल बाद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होती है और आपने गम आपको लेट्स से वो दरवाजा डोर आपको चेंज करना पड़ेगा तो हमको PPF निकालना पड़ता है, और अगर अच्छी क्वालिटी का PPF नहीं होगा तो सारा गम गाड़ी पे छूट जाएगा। तो वो हमारे लिए ट्रिकी सिचुएशन होती है बिकॉज वो टेंशन हो रहा होता है, गम वहाँ छूट रहा है दरवाजे पे और आप PPF निकाल रहे हैं तो वो टेंशन में कभी कभी पेंट डैमेज हो सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का PPF नहीं है। अच्छा। दूसरा वो PPF येलो हो सकता है, वो हमेशा व्हाइट गाड़ी में तो बहुत ज्यादा दिखेगा। करेक्ट, मगर वो भी आपको 3 तो नहीं बट 6-9 महीने बाद ही पता चलेगा, तब तक आप पैसा लगा चुके होंगे। केसेस में ब्रांड्स लाइक एस्टेक अभी दे आर रनिंग 10 years इन द ग्लोबल मार्केट, सो अभी इनको कुछ प्रूफ नहीं करना है। सही बात है, ऑलरेडी प्रूवन है, बहुत सारी गाड़ियों में करे हुए हैं। प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट, ग्लोब में ऐसा है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाली एक वेबसाइट है और हम एस्टेक हैं। यू गो आप तो इंस्टाग्राम पे ही अगर आप एक बार एस्टेक डालेंगे तो हर कंट्री का एक हैंडल है, आप वहाँ एन नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क देख सकते हो। तो ये एक अच्छी लेगेसी बताता है जहाँ आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो कि यार ये खाली नाम नहीं है, एक ब्रांड है। सही बात है। और इसके अलावा जो जैसे बाकी ब्रांड्स भी आती हैं, जैसे बाइक के लिए आप स्पेशली रिकमेंड कर रहे हो एस्टेक का, इसके अलावा जैसे और भी ब्रांड्स हैं अच्छी हैं जो आप दरबारे देख सकते हैं, दरबारे बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आप एक बजट में देख रहे हैं दरबारे एक अच्छा ब्रांड रहेगा, देन आप ऑब्वियसली एक्सपेल देख सकते हैं, एक्सपेल एक अच्छा ब्रांड है। एक्सपेल का आई गेस इधर पे बॉक्स रखा हुआ ये वाला ना। सो ये एक्सपेल 10 years है, अल्टीमेट प्लस, एस्टेक 5 years है, ओके, शील्ड इफेक्ट, और ये एस्टेक 10 years है डायनो शील्ड, ये इनका फ्लैगशिप है, ये इनका फ्लैगशिप है। ओके, यस, और फिर गरवारे हैं। अच्छा, डायनो शील्ड जो ऊपर वाला जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है वही मतलब 10 इयर्स की वारंटी के साथ आता है? 10 इयर्स की वारंटी। अच्छा, ओके, जो अभी मैंने डेमो दिया था वही चीज सभी करवा सकते हैं। हां हां, मगर 10 इयर्स के लिए शायद कोई बाइक रखेगा नहीं दोस्तों। हां मतलब वही, वो थोड़ा सा एक मतलब डिपेंड करता है कैसा कंडीशन है 5 इयर्स के बाद में, हो सकता है मतलब PPF में भी तो कुछ कुछ रहता है ना कि ज्यादा स्क्रैचेस पड़ गए तो वो फिर दोबारा कराना चाहिए, वो रहता है। मैं उसके चल के मतलब 5 years का कंसिडर किया क्योंकि अदरवाइज मतलब पता है ADV बाइक से कहीं ना कहीं जाएगी, स्क्रैचेस लगेंगे, कभी मेजर भी लग जाएंगे, तो अब वो 5 साल के ऊपर टिकाना मुश्किल है। आप गरवारे देख सकते हैं, लुमार अच्छा PPF है, बाकी नाम तो बहुत है बट मैं तो एक अपना अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, हाँ, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको जनरल एडवाइस दे सकता हूँ। बाकी ऑब्वियसली एनीबॉडी कैन कम टू अस एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस देयर क्वेरीज एंड चैलेंजेस। तो फाइनली जो PPF हुआ, इसका प्राइसिंग भी एक बार वो भी पूछ लेते हैं कि कितना हुआ।
तो प्राइस इसका जो पूरा पैनल्स में हुआ कितना स्क्वायर मीटर था, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं किसमें करते हैं? स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं, होल्ड है ये वेस्ट हो जाएगा. सो पैनल भले ही छोटा होता है बट हमको 3-3 इंच एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन. वो वेस्ट हो रहा है तो वो कॉस्ट ऑब्वियसली कस्टमर के पास ही रहती है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 17,000 फॉर यू जो फिनिश में हुआ है हमारा. 1, 2, 3 4 and 5 करेक्ट. ये वाले हाँ इसमें भी करवाया मैंने. एंड उसके बाद में जो अपना जो डिस्प्ले है मैंने उसमें भी करा दिया. एक पहले का शीट लगा हुआ था जस्ट फॉर मिनिमल प्रोटेक्शन, तो वो चीज़ चेंज कराई है. एनीवेज उसके ऊपर केसिंग भी लगेगी एक आती है, वो मेरे को बाई करना है. अभी टाइम नहीं है, जब करेंगे भाई तब लगा देंगे, बट तब के लिए स्क्रीन अपनी प्रोटेक्टेड है. गाइस आप लोगों को जैसे कि पता लगा कि क्या क्या पीपीएफ में था, कौन सा सेलेक्ट करना है आप लोगों को, और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को ड्रॉप कर सकते हो कमेंट्स में. अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताना. बाकी आप लोगों को इंस्टाग्राम पर रील्स मिल जाएगी, फोटोज़ मिल जाएगी. मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. टेक केयर, बाय बाय.